हेलो गाइज, मेरा नाम है दीपक चौहान और आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग एम्पायर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइज, आपको पता है कि कैलिप्रो के रिजल्ट आ चुके हैं और जो विनर है वो है पैट्रिक मोरे और हसन मुस्तफा को जजेस ने थर्ड पर पटक दिया है। तो चलिए बात करते हैं पूरे लाइनअप और शो के बारे में। शो को पैट्रिक मोरे जीत चुके हैं। जैसा हमने सोचा था कि पैट्रिक फुली कंडीशन आएंगे और कोई भी दूसरा एथलीट पैट्रिक की कंडीशन को मैच नहीं कर पाएगा। अगर हम इन फोटोज को देखें तो पैट्रिक टॉप फोर में सबसे कंडीशन सबसे छोटे लग रहे थे और फिर भी वो शो को जीत गए। सोचने की बात है कि जजेस साइज को छोड़कर कंडीशनिंग और एस्थेटिक की तरफ गए। लास्ट टाइम आपने ऐसा कब देखा था, कमेंट डाउन बिलो। गाइस, सेकंड पे रहे हैं मोहम्मद सब्बान जो कि आउट ऑफ बॉक्स ही आ गए। टॉप फोर में सबसे ज्यादा साइज उनके पास ही था बट कंडीशनिंग में थोड़े पीछे रह गए। बट उनके लेग्स बहुत ही सेपरेटेड और कंडीशन लग रहे थे इसलिए जजेस ने उनको सेकंड पोजीशन दे दी। थर्ड पे रहे मोहम्मद हसन जिन्होंने फिर से हमें निराश किया। तो फर्स्ट उन्हें ही माने बैठे थे बट उन्होंने एक बार फिर दिल तोड़ दिया। चलिए छोड़िए, अगर हम बात करें हसन की तो वो न्यूयॉर्क से भी बहुत सॉफ्ट और ऐसा लग रहा था कि पीक ही नहीं कर पाए। अगर हम उन्हें मोहम्मद सबान से कंपेयर करें तो सबान के लेग्स हसन से अच्छे और कंडीशन लग रहे थे बट सबान का मिड सेक्शन थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा था। बट लेग्स अच्छे होने के कारण सबान सेकंड पे प्लेस कर दिए गए और हसन को थर्ड प्लेसिंग दे दी गई। अगर फोर्थ पोजीशन की बात करें तो मोहम्मद एल इमाम को रखा गया। लेग्स में डीप कट्स थे और वो बहुत सेपरेटेड लग रहे थे बट अपर बॉडी साइज और कंडीशनिंग दोनों में लैक कर गई। गाइस, पैट्रिक ओलंपिया 2021 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। अब कुछ ही दिनों में वो अपनी ओलंपिया प्रैप शुरू भी कर देंगे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही फ्यूचर अपडेट्स के लिए।